नई मुंबई के घनसोली स्थित अंबिका ज्वेलर्स से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवरात लूटने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 1965 ग्राम सोने के दगीने और 21 किलो चांदी के दगीने बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। नवी मुंबई पुलिस ने उन्हें राजस्थान से गिरफ्तार कर लाई है। कमिश्नर विपिन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों ने सोने की दुकान में घुसकर मालिक और नौकर को बाथरूम में बंद कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास के 700 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। थे क्योंकि ये सारा सारा रिकवरी उनके कस्टडी से उनके 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 यहाँ से हुई है। अभी ये फर्दर किसको बाकी जो प्रॉपर्टी है 40 लाख का किसी को दिए हैं, कहीं पे और रखा है, उसके बारे में हमारी तफ्तीश जारी है। और इसमें जो एक कान्हा करके जो आरोपी है वो, उसके खिलाफ में राजस्थान में करीब 17 केसेज हैं। तो हिस्ट्री सीटर है वो, लग रहा है कि पुराना मतलब एक्सपीरियंस रिकॉर्ड वाला गुनहगार है। और जो आरोपी हैं इसमें प्रकाश चंद गुर्जर है, मोती लाल गुर्जर है, कन्हैया लाल जाट है और दीपक गायरी है और एक शंकर लाल जाट है। इसमें जो कन्हैया लाल है वो थोड़ा पुराना रिकॉर्ड है, बाकी लोगों का महाराष्ट्र में या हमारे एरिया में कहीं पे और भी कोई केसेज हैं। और यहाँ पे 2 लोग थे जो कभी कभी आते जाते रहते थे घनसोली में, तो इसमें और कोई शामिल होगा उसकी तफ्तीश चल रही है। अभी तक तो हमको 5 लोग ही निष्पन्न हुए, 5 लोग हमने अरेस्ट किया है। इनकी पीसी जो कस्टडी है 2 तारीख तक की है, और भी जो कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा और बाकी जो प्रॉपर्टी कहाँ पे है उसके बारे में तपास चालू है।